बिल्कुल लगेगी। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाएंगे वो लोग, पिछले इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है, यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, एक एक लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ की एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है, मैं सरकार की कमजोरी कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग उनको अगर सरकार भी शह दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आका उनको शह दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शह इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। और ये जनता समझदार है, मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, ये तो 2.5 साल में फिर चुनाव आएंगे, तो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार बार कह रहा हूँ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी है, लाल फीता शायद है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है, करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या और डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? आम जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, इनके कपड़े उतारने शुरू करो, तब जाकर ये आप अपने हकों की लड़ाई लड़ पाओगे। हमने एक सेनापति के रूप में मैंने अपने टोहाना लोगों की लड़ाई शुरू की हुई है, और ये लड़ाई पूरे हरियाणा को लड़नी होगी। और जो ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं, इनको राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकना होगा, उनको जब जब मौका मिलेगा। ये वही फितरती बिच्छू हैं, इनको जब जब मौका देंगे आप, जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का काम।